आप सबों को मेरा नमस्ते। ह्यूमन वैल्यूज़ इन मध्यस्थ दर्शन इस कोर्स में आप सबों का स्वागत है। पिछली कक्षा में जो हम लोगों ने शुरुआत की थी समझने की कि लक्ष्य भेद से प्रयास, प्रयास भेद से प्रगति, आज हम उसी को थोड़ा और विस्तार करेंगे कि लक्ष्य के अनुरूप ही हम प्रयास करते हैं और हमारे प्रयास के अनुपात में ही उपलब्धि होती है। तो हम लोगों ने लक्ष्य को दो ब्रॉड कैटेगरी में बांटा था, श्रेय और प्रेय। प्रेय का तात्पर्य जो प्रिय लगता हो, संवेदनाओं को अनुकूल लगता हो उससे है, जबकि श्रेय का तात्पर्य जो वास्तव में हमारे लिए शुभकारी हो, हितकारी हो, निरंतर सुख को सुनिश्चित करने के अर्थ में सहयोगी हो, परस्परता के लिए शुभकारी हो, वैसे लक्ष्यों से है। तो श्रेय मार्ग में चलते हुए हम स्वयं के परिमार्जन पर, अपने संस्कारों को व्यवस्थित करने पर ध्यान देते हैं, अपने कर्तव्य और दायित्व को ठीक ठीक निर्वाह करने पर ध्यान देते हैं, जबकि प्रेय मार्ग में चलते हुए हम वातावरण को अपने अनुकूल बना करके सुखी होने का कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। और क्या लक्ष्य हमारे लिए श्रेय है या प्रेय है, इसको पहचानने के लिए हम लोगों ने तीन बातें कही थी कि अस्तित्व के नियमों के अनुरूप, प्रकृति के नियमों के अनुरूप है या नहीं है, इस बात को देखा जाए। हमारी जीवन की क्रियाओं में उससे संगीतमयता आती है या नहीं आती है, इस बात को देखा जाए। और परिवार में, समाज में, राष्ट्र में, अंतर्राष्ट्र में व्यवस्थित होकर के जीना उससे बन पाता है या नहीं बन पाता है, इस बात की जांच परख की जाए। तो श्रेय की पहचान यह है कि वो अस्तित्व सहज होता है, स्वयं के शुभ के अर्थ में होता है और सर्वशुभ के अर्थ में होता है, जबकि प्रेय को देखें तो वो थोड़ी देर के लिए सुख जैसा भासता हुआ महसूस हो सकता है, लेकिन थोड़े ही समय में उसके दुख का अनुमान बनने लगता है। तो पिछली कक्षा में हम लोगों ने इस सूत्र को पढ़ने का काम किया था कि लक्ष्य भेद से प्रयास, प्रयास भेद से प्रगति, प्रगति भेद से फल, फल भेद से प्रभाव, प्रभाव भेद से अनुभव, अनुभव भेद से प्रतिभाव, प्रतिभाव भेद से स्वभाव, स्वभाव भेद से आसक्ति, आसक्ति भेद से भाव तथा भाव भेद से लक्ष्य भेद है। बहुत संक्षेप में देखें तो इसका मतलब यह है कि जिस वस्तु को हम लक्ष्य बनाते हैं उसी के लिए हम प्रयास करते हैं। जिस दिशा में हम प्रयास करते हैं, जिस दिशा में हम पुरुषार्थ करते हैं, उसी दिशा में हमारी गति होती है और देर सवेर वैसे ही फल परिणाम आते हैं। तो अगर हम सही दिशा में चल रहे हैं तो सही फल परिणाम आते हैं। अगर हमने अपना लक्ष्य गलत बना लिया है, दिशा गलत तय कर लिया है, तो फल परिणाम भी ठीक नहीं आते। इस रूप में या तो हम जागृति तक पहुंचते हैं, अनुभव तक पहुंचते हैं, या हम संवेदनाओं में उलझ जाते हैं। तो इस क्रम से चलते हुए ये दिखाई देता कि जिस वस्तु की हमारी चाह होती है उसी दिशा में हम प्रयास करते हैं और धीरे धीरे उसी दिशा में हमारी गति होती है। तो हम ये देखना चाहेंगे कि श्रेय और प्रेय, ये दो लक्ष्य जब हम बनाते हैं तो प्रयास किस किस तरह से होते हैं, प्रगति किस तरह से होता है, फल किस तरह से होता है, प्रभाव किस तरह से होता है, अनुभव किस तरह से होता है, प्रतिभाव किस तरह से होता है, इसको हम समझने का काम करेंगे। और चूँकि इस एक ही सूत्र में श्रेय और प्रेय दोनों लक्ष्यों को लिखा गया है, हमारे जीवन का सकारात्मक दिशा में जागृति की ओर बढ़ने का क्रम और ह्रास की ओर जाने का क्रम, ये दोनों क्रम साथ साथ लिखे हुए हैं, इसलिए यहाँ पर सभी शब्दों के देखेंगे तो एक सकारात्मक अर्थ होंगे और एक नकारात्मक अर्थ होंगे। तो लक्ष्य का एक भाग होगा जो सकारात्मक होगा, उसका दूसरा भाग होगा जो नकारात्मक होगा। सकारात्मक लक्ष्य के आधार पर सकारात्मक दिशा में प्रयास होगा, नकारात्मक लक्ष्य के आधार पर नकारात्मक दिशा में प्रयास होगा। तो यहाँ शब्द चाहे प्रगति हो, चाहे फल हो, चाहे प्रभाव हो, चाहे अनुभव हो, चाहे प्रतिभाव हो, चाहे स्वभाव हो, इन सभी शब्दों का इन दोनों आशयों से प्रयोग हुआ है। एक उसका सकारात्मक आशय है, सकारात्मक अर्थ है, दूसरा उसका नकारात्मक अर्थ है। तो लक्ष्य को दो भाग में बांटा गया है, प्रेय और श्रेय। श्रेय को ही अपरिणामवादी लक्ष्य भी नाम दिया गया है और प्रेय का दूसरा नाम परिणामवादी लक्ष्य है। अपरिणामवादी का तात्पर्य जिसमें बदलाव नहीं होता हो, जिसकी निरंतरता होती हो,
उससे है। एक सामान्य उदाहरण से देखें तो किसी भी वस्तु को, किसी भी नियम को जब हम समझने का काम कर लेते हैं तो समझ के अनंतर वह हमारे में बना रहता है। इसी तरह से परस्परता में संबंध पूर्वक जीने की योग्यता को यदि हम विकसित कर लेते हैं, उस अर्थ में अपने भावों को व्यवस्थित कर लेते हैं, तो ये भाव भी हमारे में निरंतर बने रहते हैं। तो स्वयं में सही समझ और इस आधार पर सही भाव को सुनिश्चित करना, ये एक अपरिणामवादी लक्ष्य है, श्रेय है। जबकि दूसरी ओर संवेदनाओं से सुखी होने का प्रयास करना एक परिणामवादी लक्ष्य है, क्योंकि संवेदनाएं कैसी भी हों, एक निश्चित सीमा के बाद शरीर से उसका भोग संभव नहीं है। इस आधार पर संवेदनाओं के भोग से सुख की निरंतरता नहीं हो पाती। तो लक्ष्य को दो तरह से हम लोगों ने पहचाना, एक वैसे लक्ष्य जिसमें बदलाव हो जाता है, परिणाम हो जाता है, जो मिल करके भी, पा करके भी सुख के निरंतर स्रोत के रूप में नहीं दिखाई देता है, और दूसरा अपरिणामवादी लक्ष्य दिखाई देता जिसके होने की निरंतरता है, इस आधार पर उससे मिलने वाले सुख की भी निरंतरता है। इसी तरह प्रयास को देखेंगे तो दो तरह से उसको बांटा है, व्यष्टि समष्टि या अंतरंग और बहिरंग। व्यष्टि का तात्पर्य एक एक के रूप में किए गए प्रयास से है, जबकि समष्टि का तात्पर्य सामूहिक रूप से मिल करके किए गए प्रयास से है। तो अगर व्यक्तिगत उन्नति के अर्थ में देखें, जीवन जागृति के अर्थ में देखें, स्वयं के समझदार होने के रूप में देखें, तो हमारा व्यक्तिगत प्रयास महत्वपूर्ण है, व्यष्टि के रूप में प्रयास महत्वपूर्ण है। लेकिन यदि परिवार के व्यवस्थित होने की बात करें, समाज के व्यवस्थित होने की बात करें, ग्राम, ग्राम समूह, राज्य और राष्ट्र के व्यवस्थित होने की बात करें, तो एक परिवार के व्यवस्थित होने के लिए परिवार के सभी सदस्यों को प्रयास करने की ज़रूरत है। एक ग्राम का व्यवस्थित होना तभी सफल हो पाता है, संभव हो पाता है, जब ग्राम के सभी सदस्य उसके लिए प्रयास करते हैं। इसी तरह से एक राज्य या एक राष्ट्र का व्यवस्थित होना भी तभी हो पाता है जब उस राज्य या राष्ट्र के सभी सदस्य उसके लिए प्रयास करते हैं। तो व्यक्तिगत लक्ष्य के अर्थ में व्यष्टि प्रयास महत्वपूर्ण है, लेकिन सामूहिक लक्ष्य के अर्थ में, सामाजिक लक्ष्य के अर्थ में, सर्वशुभ के लक्ष्य में समष्टि प्रयास की आवश्यकता है। इसी तरह से प्रयास की एक दूसरी कैटेगरी अंतरंग या बहिरंग है। अंतरंग प्रयास का तात्पर्य अपनी जीवन क्रियाओं को नियोजित करने से है, इन्वेस्ट करने से है, और बहिरंग का तात्पर्य बाहर किसी क्रियाकलाप को व्यवहार की जगह पर, कार्य की जगह पर या व्यवस्था में भागीदारी की जगह पर करने से है। तो बहिरंग प्रयास से हम बाहर अनुकूलता बना पाते हैं, बाहर की चीज़ों को व्यवस्थित कर पाते हैं, दूसरों को व्यवस्थित होने में सहयोग कर पाते हैं। लेकिन ये जो बाहर भी हम कोई क्रियाकलाप करते हैं, व्यवहार की जगह पर, व्यवसाय की जगह पर, व्यवस्था में भागीदारी की जगह पर, उसका निर्णय, उसके अर्थ में सोच विचार, उसकी कार्य योजना, उसकी प्लानिंग, उसकी डिज़ाइनिंग, ये सब हमारे जीवन के अंदर ही होती है, इस रूप में अंतरंग है। तो हमारे बहिरंग सभी प्रयासों के मूल में अंतरंग प्रयास होता ही है। और अगर अपनी जीवन क्रियाओं के व्यवस्थित होने की बात करें, अपने जीवन में ज्ञान और समाधान को सुनिश्चित करने के संदर्भ में बात करें, तब तो अपनी जीवन क्रियाओं को ही प्रखर बनाने के लिए काम करना पड़ता है, अपने जीवन पर ही बार बार ध्यान दे करके अपने भाव को, अपने विचार को व्यवस्थित करने की ज़रूरत होती है, अपने में सुसंस्कारों को विकसित करने का, कुसंस्कारों को दूर करने का काम करना पड़ता है। इस रूप में अंतरंग प्रयास महत्वपूर्ण है व्यक्तिगत जागृति के संदर्भ में। अगला बात हम लोग ये कह रहे हैं कि जिसको हम लक्ष्य बनाते हैं उसी के अर्थ में हम प्रयास करते हैं, वही हमारी दिशा को तय करता है। तो अगर लक्ष्य सही के अर्थ में बना है तो विकास होता है, लक्ष्य अगर गलत के अर्थ में बन गया है तो ह्रास होता है। तो भले ही शब्द यहाँ पर प्रगति प्रयोग हुआ है, जो सामान्य रूप से विकास के लिए प्रयोग होता है,
लेकिन चूंकि इस सूत्र में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही चक्र को एक साथ कहा गया है, इसीलिए यहाँ प्रगति शब्द से विकास और ह्रास दोनों ही आशय है। तो श्रेय लक्ष्य के आधार पर विकास, प्रेय लक्ष्य के आधार पर ह्रास। अगली बात ये कह रहे हैं कि जिस दिशा में हम काम करना शुरू करते हैं, प्रयास करते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, वहीं हमको फल मिलता है। तो जो हमारा निरंतर सुखरूपी लक्ष्य है वो अपेक्षित फल मिल जाने को पूर्ण फल के रूप में पहचाना है, कि सुख की निरंतरता सुनिश्चित हो जाए, तृप्ति की निरंतरता सुनिश्चित हो जाए, ऐसे फल को पूर्ण फल के रूप में पहचाना है, और उससे कम जो भी फल है उसको न्यून फल के रूप में पहचाना है। तो जब तक हमें उपलब्धि के रूप में पूर्ण फल हासिल नहीं होता, तब तक हम अपने में तृप्त नहीं हो पाते, तब तक ये प्रयास करना बना ही रहता है। अगली बात ये दिखाई देती कि हम जिस क्रियाकलाप को भी करना चाहते थे, जिस उपलब्धि को भी पाना चाहते थे, वो उपलब्धि एक बार हमको मिल जाती है तो उसका हम अपने में एक मूल्यांकन करते ही हैं। तो हम क्लास में फर्स्ट आना चाहते थे, आ गए या नहीं आए, हम मिठाई खाना चाहते, खा लिए या नहीं खाए, हम किसी पद को पाना चाहते थे, मिल गया या नहीं मिला, इन सबों के आधार पर हम अपनी इस चाहना का, इस लक्ष्य का, अपनी मान्यताओं का एक आकलन करते ही हैं कि वो ठीक है कि नहीं है। तो अपने ऊपर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभाव को सम प्रभाव के रूप में पहचाना है, नकारात्मक प्रभाव को विषम प्रभाव के रूप में पहचाना है, और यथा स्थिति में स्वयं के बने रहने को मध्यस्थ प्रभाव के रूप में पहचाना है। तो हम जिस फल के लिए भी, जिस इंटरमीडिएट गोल या अंतिम लक्ष्य के लिए काम कर रहे होते हैं, उस इंटरमीडिएट गोल के पाने पर हम उसका कुछ न कुछ मूल्यांकन करते ही हैं, और मूल्यांकन पूर्वक हमारे संस्कारों में या तो गुणात्मक परिवर्तन पूर्वक विकास होता है या ह्रास होता है। तो सकारात्मक प्रभाव पड़ने को सम प्रभाव के रूप में पहचाना है, और नकारात्मक प्रभाव पड़ने को विषम प्रभाव के रूप में पहचाना है। अगर सम प्रभाव की ओर हमारी गति होती रहे, क्रमशः जागृति की ओर हम बढ़ते रहें, तो हमको इंद्रियातीत अनुभव होता है। इंद्रियातीत अनुभव का तात्पर्य वास्तविकताओं को सीधा सीधा देख पाने से है, समझ पाने से है, जबकि इंद्रिय अनुभव का तात्पर्य अपने पांचों इंद्रियों के माध्यम से संवेदनाओं का पता लगा पाने से है। तो प्रेय मार्ग में चलते हुए अधिकतम हमको इंद्रिय अनुभव हो सकता है, लेकिन श्रेय मार्ग में चलते हुए इंद्रियातीत अनुभव की भी संभावना है। बहुत सामान्य उदाहरण से अगर इसको देखें तो एक पेड़ से सेब गिरने की घटना को अगर देखें तो इंद्रिय अनुभव हर व्यक्ति को होता है, रहता है, पहले भी हो रहा था, आज भी हो रहा है, लेकिन उस पर ध्यान दे करके उसके नियमों को समझ पाना, इसको अगर देखें तो ये एक इंद्रियातीत अनुभव का उदाहरण है, क्योंकि ये नियम, जो गुरुत्वाकर्षण जिसको हम नाम देते, ये आँखों से नहीं दिखाई देता, इस रूप में इसको इंद्रियातीत अनुभव के रूप में पहचाना है। तो जब हम वास्तविकताओं को अनुभव की जगह पर ठीक ठीक देख पाते हैं तो इस आधार पर जीवन की क्रियाओं में सहजता आती है। वहीं दूसरी ओर जब हम वास्तविकताओं को ठीक ठीक नहीं देख पाते हैं, भ्रम और मान्यताओं के आधार पर जीते हैं, तो हमारे जीवन में असहजता आती है। तो समझ पूर्वक सहज भाव, समझ के अभाव में मान्यता पूर्वक असहज भाव। तो मूलतः अस्तित्व को सहस्तित्व के रूप में देख पाने को सही अर्थों में अनुभव की क्रिया के रूप में पहचाना है, और उसका अपने जीवन में प्रतिबिंब बन पाने को सहज भाव के रूप में पहचाना है। सहज या असहज जैसे भी हमारे प्रतिभाव होते हैं, उस आधार पर हम अपना मूल्यांकन करते ही हैं, अपने को सजाने का, वैसा बनाने का काम करते ही हैं, होता ही है, इस रूप में वो हमारा स्वभाव बन जाता है, हम में स्वीकृत हो जाता है। एक बार जो चीज़ें हमारे अंदर स्वीकृत हो जाती हैं,
हमारे संस्कार का भाग बन जाती हैं, फिर वो हमको अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो अगर न्याय के अर्थ में जीना, धर्म के अर्थ में जीना, सत्य के अर्थ में जीना हमको आकर्षित करता है, तो वो विहित आकर्षण है। लेकिन अगर प्रिय हित लाभ के आधार पर जीना हमको आकर्षित करता है, दीनता हीनता क्रूरता के आधार पर जीना हमको आकर्षित करता है, तो वो अविहित आकर्षण है। अविहित का तात्पर्य जो विधि के अनुरूप नहीं है उससे है, जबकि विहित का तात्पर्य विधि के अनुरूप नियमों के अनुरूप होने से। और जिस चीज़ के प्रति हमारा आकर्षण होता है, हमारी आसक्ति होती है, हमारे भाव हमारे विचार उसी अर्थ में व्यवस्थित होने लगते हैं, चलने लगते हैं। तो विधि विहित आकर्षण होने से हमारा भाव और विचार समाधानवादी होता है, उच्च होता है, जबकि विधिहीन ढंग से आकर्षण होने से, आसक्ति होने से हमारा भाव और विचार समस्यावादी होता है, नीच होता है। जब भी हम समाधान की स्थिति में होते हैं, उस क्षण हम समाधानकारी चीज़ों को ही लक्ष्य के रूप में पहचानते हैं, क्योंकि हमारा देखना ठीक ठीक हो पाता है। वहीं दूसरी ओर जब हम समस्याओं में उलझे हुए होते हैं, दबाव तनाव या परेशानी में होते हैं, तो फिर हम लक्ष्य को भी ठीक ठीक नहीं पहचान पाते हैं, नहीं देख पाते हैं। इस आधार पर जब हम वापस लक्ष्य तय करने जाते हैं तो सही या गलत होता है। तो अपने भाव के आधार पर हम लक्ष्य को तय करते हैं। जो एक बार हमारा लक्ष्य बन जाता है उसी दिशा में हम प्रयास करते हैं। जिस दिशा में प्रयास होता है उसी दिशा में प्रगति के रूप में, फल परिणाम के रूप में उपलब्धियाँ होती हैं। उन सारी उपलब्धियों के मूल्यांकन पूर्वक जीवन या तो सत्य में अनुभव तक पहुंच पाता है या संवेदनाओं के आस्वादन में उलझ करके रह जाता है। सत्य में अनुभव तक जीवन यदि पहुंचता है तो उसके आधार पर जीवन की बाकी क्रियाओं के व्यवस्थित होने का काम भी हो पाता है। तो जितना जितना हम समाधान की ओर, ज्ञान की ओर गति करते हैं, उतना उतना हमारे जीवन की क्रियाओं के व्यवस्थित होने का काम हो पाता है, और वो हमको आगे प्रेरणा देता है उस दिशा में और गति करने के लिए और बढ़ने के लिए। तो इस तरह से सही को जब हम लक्ष्य के रूप में स्वीकार पाते हैं, श्रेय को जब हम लक्ष्य के रूप में स्वीकार पाते हैं, तो क्रमशः हमारी यात्रा उस दिशा में आगे बढ़ती जाती है। और जितना जितना उस दिशा में हम आगे बढ़ पाते हैं, उतना उतना हमारा वो श्रेय रूपी लक्ष्य मजबूत होता जाता है। उसके लिए हमारी चाह, हमारी प्यास, हमारी दृढ़ता, हमारी निष्ठा क्रमशः बढ़ती चली जाती है। ये जो लक्ष्य है श्रेय और प्रेय के रूप में, इसे को प्राप्त योग और प्राप्ति योग के रूप में पहचाना है। प्राप्त का तात्पर्य है जो नित्य उपलब्ध है, जहाँ वियोग संभव नहीं है, जबकि प्राप्ति का तात्पर्य है जिसके उपलब्ध होने की संभावना है, जहाँ किसी का योग होता है, किसी का वियोग होता है। तो अगर समझ को देखें तो समझ हमारे लिए एक प्राप्त योग है, क्योंकि एक बार स्वयं में सुनिश्चित हो जाने के बाद उसकी निरंतरता बनी रहती है। और अस्तित्व की जगह से देखें तो अस्तित्व में समझने की संभावना तो हर मानव को नित्य उपलब्ध है ही। तो ये अस्तित्व के सहअस्तित्व पूर्वक होने के आधार पर हर मानव में सहअस्तित्व को समझने की संभावना नित्य उपलब्ध है, और हम इसी अस्तित्व के एक अविभाज्य भाग हैं। उसी व्यापक में हम भी संपृक्त हैं जिसमें ये पूरी प्रकृति संपृक्त है। तो इस रूप में सत्ता या व्यापक नित्य उपलब्ध वस्तु है। ये नियम, ये न्याय, ये धर्म, ये सत्य, ये सब हमारे लिए नित्य उपलब्ध वस्तु हैं। एक बार इन वास्तविकताओं को हम समझ लेते हैं, उसके अर्थ में अपने जीने को व्यवस्थित कर लेते हैं, तो हमारे लिए वो हर क्षण उपलब्ध रहता है, उससे हमारा वियोग नहीं होता। जबकि प्राप्ति योग को अगर देखें तो उसके उपलब्ध होने की संभावना है, लेकिन वहाँ योग और वियोग दोनों ही लगा रहता है। तो अगर प्राप्ति योग में देखें तो आज कुछ लोग आपकी परस्परता में होंगे,
कल कुछ नहीं थे, परसों इसमें से कुछ और नहीं होंगे और कुछ नए जुड़ेंगे। तो ये दिखता है कि मनुष्य मनुष्य की परस्परता में या मनुष्यतर प्रकृति की परस्परता में योग और वियोग हमारे साथ लगे ही रहते हैं, उनको हम प्राप्ति योग के रूप में पहचानते हैं। तो अगर प्राप्ति योग को हम अपने सुख का आधार बनाते हैं तो चूंकि इसका वियोग संभव है इसलिए इस आधार पर सुख की निरंतरता संभव नहीं है। लेकिन अगर हम प्राप्ति योग को लक्ष्य के रूप में पहचानते हैं, इसको सुनिश्चित करते हैं, तो चूंकि यहाँ वियोग संभव नहीं है इसलिए इस आधार पर सुख की निरंतरता की संभावना है और वो सुनिश्चित भी हो पाता है। इसी संदर्भ में लक्ष्य के बारे में एक और बात महत्वपूर्ण है कि लक्ष्य को हम लोगों ने दो तरह से देखा, एक एक व्यक्ति के रूप में जीवन जागृति रूपी लक्ष्य, ज्ञान या समाधान रूपी लक्ष्य, और पूरे समाज के अर्थ में देखें तो समाधान समृद्धि अभय और सहस्तित्व रूपी लक्ष्य, यानी स्वयं का शुभ और सर्वशुभ। एक एक व्यक्ति के रूप में हमारी व्यक्तिगत उन्नति और पूरे समाज के रूप में, पूरे राष्ट्र के रूप में, पूरे विश्व के रूप में हमारी सामाजिक उन्नति। ये दोनों का अंतर संबंध क्या है? ये जो व्यष्टि और समष्टि दो तरह से हम पूरे अस्तित्व को देख सकते हैं, एक एक के रूप में और सामूहिक रूप में। तो जो एक एक के रूप में हमारा लक्ष्य है निरंतर तृप्ति को पाना, निरंतर सुख को पाना, और जो पूरे समाज के रूप में लक्ष्य दिखाई देता है अखंड समाज का होना, सार्वभौम व्यवस्था का होना, सर्वशुभ का होना, ये दोनों का अंतर संबंध क्या है उसको हम लोग थोड़ा समझना चाहते। तो बहुत सामान्य रूप में कहें तो जब हमारी समझ ठीक होती है, हम अस्तित्व की वास्तविकताओं को ठीक ठीक देख पाते हैं, तो उसको यथार्थ दर्शन नाम दिया गया है। अस्तित्व की वास्तविकताओं को ठीक ठीक देख पाने के आधार पर हमारा भाव, हमारा विचार उस अर्थ में व्यवस्थित होता है। यानी हर स्थिति परिस्थिति में हमको व्यवस्थापूर्वक कैसे जीना है, संबंधपूर्वक कैसे जीना है, इन प्रश्नों का उत्तर अपने में मिल पाता है। उसी विचार को मानवीय विचार के रूप में पहचाने हैं। तो यथार्थ दर्शन के बिना मानवीय विचार नहीं होता है। दूसरी भाषा में कहें तो यथार्थ दर्शन पूर्वक ही मानवीय विचार सुनिश्चित होता है। एक बार हमारा विचार मानवीय होता है तो हमारी मानवीय व्यवहार कार्य में ही प्रवृत्ति होती है, क्योंकि अमानवीय व्यवहार और कार्य के मूल में अमानवीय विचार है। और मानवीय व्यवहार कार्य किए बिना व्यवहार में एक सूत्रता नहीं होती, क्योंकि परस्परता में हमारी एक दूसरे से जो अपेक्षा है वो तो मानवीय कार्य और व्यवहार की ही है। इसलिए मानवीय व्यवहार को करके ही, मानवीय कार्य को करके ही हमारी परस्परता के व्यवहार में एक सूत्रता आती है और इसी आधार पर हमारा आपस का अंतर्विरोध खत्म होता है। तो निर्विरोध होने का तात्पर्य परस्परता में विरोध के अभाव होने से। यही निर्विरोधिता एक से अनेक तक और अनेक से हरेक तक जब सुनिश्चित हो पाती है तो उसको निर्विरोधितापूर्ण समाज के रूप में पहचाने। और निर्विरोधितापूर्ण समाज से ही हमारा परस्परता में सहस्तित्व पूर्वक जीना सफल हो पाता है, कि हम स्वयं व्यवस्था पूर्वक जी सकें और समग्र व्यवस्था में भागीदारी कर सकें, इसके लिए समाज का निर्विरोधितापूर्ण होना जरूरी है। अगर समाज में विरोध हो, द्वेष हो, अंतर्द्वंद हो, झगड़े हो, तो हमारा सहस्तित्व पूर्वक जीना नहीं हो पाता। स्वयं में व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदारी का हम कोई भी प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पाते। तो समाज के सहस्तित्व पूर्वक जीने से हर व्यक्ति के समाधान समृद्धि पूर्वक जीने की संभावना उपलब्ध होती है। ऐसे समाधान समृद्धि के सुनिश्चित होने से ही धरती स्वर्ग होती है, अन्यथा हम एक दूसरे के दुख के कारण बनते रहते हैं। स्वर्ग होने का तात्पर्य हर व्यक्ति के निरंतर सुखपूर्वक जीने की संभावना हो पाने से। तो समाधान और समृद्धि के सुनिश्चित होने से हर व्यक्ति के निरंतर सुखपूर्वक जीने की संभावना बनती है। तो परस्परता में भी ऐसा स्वर्गीयता दिखता है और अपनी जीवन क्रियाओं में संगीतमयता के आधार पर हम आंतरिक रूप से भी स्वर्ग में स्थित होते हैं।
ऐसी स्वर्गीयता के साथ ही, ऐसी आंतरिक और बाह्य शांति के साथ ही विवेकपूर्ण विज्ञान का उदय होता है। विवेकपूर्ण विज्ञान का तात्पर्य जड़ और चैतन्य प्रकृति के ठीक ठीक अध्ययन हो पाने से। तो विवेक और विज्ञानपूर्ण अध्ययन होने से, इसकी संभावना सर्वसुलभ होने से हर मानव को यथार्थ दर्शन उपलब्ध होता है। तथा मैंने वास्तविकताओं को ठीक ठीक देखा है, ठीक ठीक समझा है, इसका प्रमाण भी यही है कि मैं दूसरों को विवेक और विज्ञानपूर्ण अध्ययन करा पाता हूँ। तो मेरे यथार्थ दर्शन का ये प्रमाण है कि मैं दूसरों को विवेक और विज्ञानपूर्ण अध्ययन में सहयोग कर पाता हूँ। तथा समाज में विवेक और विज्ञानपूर्ण अध्ययन के उपलब्ध होने से हर मानव में यथार्थ दर्शन की संभावना का उदय होता है। तो इतने के साथ अगर सारांश के रूप में देखें तो जहाँ से हम लोगों ने बात शुरू किया था कि जिस वस्तु को हम लक्ष्य के रूप में स्वीकारते हैं उसी दिशा में हम प्रयास करते हैं। जिस दिशा में हमारा प्रयास होता है उसी दिशा में क्रमशः हमारी गति होती है, उसी दिशा में फल परिणाम के रूप में हमारी उपलब्धियाँ होती हैं। जो भी फल परिणाम के रूप में उपलब्धियाँ हों वो सबका हम सटीकता से मूल्यांकन करने का प्रयास करते ही हैं। और ठीक दिशा में यदि हम इस काम को कर पाते हैं तो स्वयं में अनुभव को सुनिश्चित कर पाते हैं, अन्यथा मान्यताओं के आधार पर जीते रहते हैं। जितना जितना हम समझ में आगे बढ़ पाते हैं उतना उतना हमारी जीवन की बाकी क्रियाओं के व्यवस्थित होने का काम होता ही है। इस रूप में सही मूल्य, सही भाव हमारे स्वभाव के रूप में स्थिर हो पाते हैं। वैसा जीने का ही हमारा मन करता है, उसी की हमारी निष्ठा और तत्परता होती है, और इस रूप में हम उसी श्रेय को लक्ष्य के रूप में पहचानते हैं। तो चाहे क्रमशः जागृति की ओर गति करते हुए श्रेय रूपी लक्ष्य को पाना हो, या ह्रास में जाते हुए हम प्रेय के अर्थ में उलझ जाएं, ये दोनों का चक्र एक जैसा ही है, एक जैसा ही है। अंतर सिर्फ इस बात में है कि हमने लक्ष्य क्या पहचाना है और उसके पाने के लिए हम अपने मन तन धन का प्रयोग किस दिशा में कर रहे हैं। और अंतिम बात, हम लोगों ने इसको भी समझने का काम किया था कि एक एक व्यक्ति के रूप में देखेंगे तो निरंतर तृप्ति पूर्वक जीना ये लक्ष्य है। पूरे समाज के अर्थ में देखेंगे तो अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था ये लक्ष्य है, सर्वशुभ लक्ष्य है। समाधान, समृद्धि, अभय और सहस्तित्व ये लक्ष्य है। ये दोनों लक्ष्य एक एक व्यक्ति के रूप में व्यष्टि लक्ष्य और सामूहिक रूप में समष्टि लक्ष्य, ये दोनों लक्ष्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। एक एक व्यक्ति अपने में ज्ञान और समाधान को सुनिश्चित करके निरंतर तृप्त होता है तो अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी कर पाता है, उसको सुनिश्चित कर पाने की दिशा में अपना योगदान दे पाता है। वहीं दूसरी तरफ से देखें तो अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था यदि सुनिश्चित होती है तो ऐसी व्यवस्था में एक एक आदमी के लिए अध्ययन की संभावना उपलब्ध होती है, अवसर उपलब्ध होता है। तो शिक्षा संस्कार प्रक्रिया पूर्वक ये समाज एक एक व्यक्ति को ज्ञान और समाधान उपलब्ध करा पाता है, इस रूप में निरंतर तृप्ति को सुनिश्चित करने में सहयोग कर पाता है। तो अगली कक्षा के पहले इन दो बातों की जांच परख की जाए। एक तो ये कि अभी आपने अपना व्यक्तिगत लक्ष्य जो बनाया है उसको अगर देखें तो समझदार होने के अर्थ में है, जीवन जागृति के अर्थ में है या अन्यथा है, और कौन सा लक्ष्य होना ठीक है। इसी तरह से सामूहिक लक्ष्य को देखें तो अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था ये लक्ष्य होना ठीक है, या समाज खंड खंड में बटा रहे ये लक्ष्य होना ठीक है। तो व्यक्तिगत लक्ष्य को देखें तो जीवन जागृति के रूप में, और सामूहिक लक्ष्य को देखें तो अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था के रूप में दिखाई देता है। ये दोनों लक्ष्य एक दूसरे के पूरक हैं या एक दूसरे के अंतर विरोध में हैं, इस बात की जांच परख की जाए। और दूसरा, इस बात का जांच परख किया जाए कि हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है, श्रेय को लक्ष्य के रूप में स्वीकारना या प्रेय को लक्ष्य के रूप में स्वीकारना। जो वास्तव में हमारे सुख का स्रोत है
जिसके आधार पर हमारे सुख की निरंतरता सुनिश्चित होती है, उसको हम लक्ष्य के रूप में स्वीकारें, या जो आभासी रूप से कुछ क्षणों के लिए हमको सिर्फ सुख का भास कराता है उसको लक्ष्य के रूप में स्वीकारें, क्या ठीक है इसको जांचा जाए। और साथ ही इस बात की भी समीक्षा की जाए कि आज के दिन हम किस दिशा में प्रयास कर रहे हैं, श्रेय रूपी लक्ष्य को पाने के अर्थ में कितना प्रयास कर रहे हैं और प्रेय रूपी लक्ष्य को पाने के अर्थ में कितना प्रयास कर रहे हैं। तो अगली कक्षा में हम इस बात पर बात करेंगे कि एक एक व्यक्ति के रूप में ये जो निरंतर सुखपूर्वक जीना है जीवन लक्ष्य, और ये जो समाज के रूप में समाधान समृद्धि अभय सहस्तित्व को लक्ष्य के रूप में पहचाने हैं, ये दोनों लक्ष्य को थोड़ा समझने का कोशिश करेंगे और उसके अभाव में क्या क्या जीवन में समस्याएं होती हैं उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो जीवन के संदर्भ में मुक्ति और बंधन इसकी बात करेंगे, और समाज के संदर्भ में धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चार लक्ष्यों की बात करेंगे, और ये श्रेय और प्रेय से कैसे जुड़ते हैं इसको समझने का कोशिश करेंगे। तब तक के लिए इन दो बातों की जांच परख की जाए। धन्यवाद।